क्या है यार रामू? क्या तुमने रामू का नाम लिया? अरे वो मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया होगा। पूरे दिन मैं रामू का नाम ही तो लेती रहती हूँ घर में कि रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, तो मेरी ना जबान पे रखा हुआ होगा, इसीलिए शायद उसका नाम निकल गया होगा गलती से। पर साक्षी, रामू को तो तुम्हें तब बुलाना चाहिए ना जब तुम्हें उससे कोई काम करवाना हो, झाड़ू लगवानी हो, खाना बनवाना हो या किचन साफ करवाना हो। साक्षी, मैंने चीटी काटी है तुम्हें, टच किया है मैंने तुम्हें, इसमें रामू को बुलाने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जब से तुमने ये फॉरेंसिक की जॉब ज्वाइन करी है ना, तब से तुम बहुत शक करने लग गए हो। अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, वो कहीं तुम्हें छेड़ता वेड़ता तो नहीं है? परेशान तो नहीं करता वो तुम्हें? अरे नहीं, वो मुझे कोई परेशान वरेशान नहीं करता है। वो तो दिन भर मैं उसका नाम लेती रहती हूँ ना, इसीलिए मेरे मुंह पर रखा हुआ था, इसलिए निकल गया गलती से। बताया तो भी मैंने तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, मैं शायद जॉब के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ और कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की बातें सोचने लगा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कहीं इस जॉब के चक्कर में हमारा डाइवोर्स ना हो जाए। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि तुम इस जॉब के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही शक करने लग गए हो। खैर छोड़ो ये सारी बातें, मैंने ना तुम्हारा खाना पैक कर दिया है, जब तुम ऑफिस जाओगे ना तब लेते जाना। अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। हेलो रामू, मुझे ना तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये जो हम दोनों के बीच में हो रहा था ना, तुम इसे भूल जाओ, नहीं तो हमारी आदतें ना मेरा डिवोर्स करा देंगी एक दिन। तुम एक काम करो, तुम ना 2-3 महीने के लिए ना गांव चले जाओ अपने। चला जाऊंगा, कुछ पैसे तो करवा दो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे करवा दूंगी, तुम गाँव चले जाओ पहले। तुम्हें पता है आज ना मैंने गलती से तुम्हारा नाम ले दिया जब यश किचन में आए थे। देखो अब तुम ना जितनी जल्दी हो सके अपने गांव चले जाओ और याद से मेरे सारे कॉल डिटेल्स और मैसेज डिलीट करके जाना। रही बात पैसों की, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके। अरे आप वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए? मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, इस घर में रहने का भी दिल नहीं कर रहा, इनफैक्ट मेरा तुम्हारे साथ रहने का भी दिल नहीं कर रहा। यश तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? एक मिनट, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? बीमार तो मैं पहले था यार, जो तुम पे इतना विश्वास करता था, बट अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। हकीकत? कौन सी हकीकत यश? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही हकीकत जो पता नहीं कितने टाइम से तुम मेरे पीठ पीछे कर रही थी और तुम मुझे धोखा दे रही थी। पीठ पीछे कर रही थी, धोखा दे रही थी, ये तुम बोलना क्या चाहते हो यश? देखो साफ साफ बोलो कि बात क्या है और आखिर मैंने किया क्या है? बात बताने के लिए अब कुछ रहा नहीं, तुमसे पूछो कि तुमने ऐसा किया क्या है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम अपनी नजरों से गिर जाओ। क्या बात है पहेली? बस करो साक्षी, और कितना नाटक करोगी? मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ, अब तो सच बोल दो। यश तुम कौन से सच की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही सच जो इतने टाइम से तुम मेरे पेट पीछे रामू के साथ आशिकी लड़ा रही थी। साक्षी तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। ये क्या बोल रहे हो यश तुम, रामू के साथ? कम से कम बोलने से पहले 100 बार सोच तो लिया करो कि बोल क्या रहे हो। साक्षी
अब ना तुम्हारा ये नाटक खत्म हो चुका है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम्हें पता है मैं यहाँ वापस क्यों आया? मेरा फोन ना किचन में छूट गया था। जब मैं वापस आया ना, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? आखिर क्या कमी रह गई थी साक्षी मेरे प्यार में, जो तुम उस रामू के साथ इतना गिर जाओगी तुम? यश, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं रामू से कुछ और बात कर रही थी और तुमने जो सुना है वो कुछ और सुना है। देखो, मैं सच कह रही हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गलत फहमी में तो मैं इतने टाइम से जी रहा था, और ये सब जानने के बाद ना मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ। पेपर्स तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। डाइवोर्स? नहीं नहीं यश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में अपनी गलती की तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दो। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने वो गलती जाने अनजाने में करी है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊंगी यश? छोटी सी गलती है, तुम किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही हो, ये तुम्हारी छोटी सी गलती है। मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? साक्षी, ये तुम्हारी छोटी सी गलती नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। यश बट, बोल दिया ना एक बार, समझ में नहीं आता तुम्हें? जाओ अभी जाओ। जन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना।